नमस्कार, लचको समथिंग में आपका स्वागत है। आज हम बना रहे हैं व्रत में खाने के लिए स्नैक्स बना रहे हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, बिल्कुल स्किप नहीं कीजिएगा, नहीं तो आप काफ़ी चीज मिस कर जाएंगे। तो चलिए स्नैक्स बनाना शुरू करते हैं। तो हमने 3 आलू लिए हैं। आलू को हमने उबाल के छील के कद्दूकस कर लिए हैं। इसमें हम ऐड कर दे रहे हैं, ये हमने 2 हरी मिर्च लिए हैं, हरी मिर्च ऐड कर दे रहे हैं। करी पत्ता थोड़ा सा हम इसमें करी पत्ता डाल रहे हैं, आप तो करी पत्ते की जगह धनिया भी डाल सकते हैं, हरा धनिया कट करके। इसमें हम ये 1/4 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च डाल रहे हैं। अगर आप लाल मिर्च नहीं डालना चाहते हैं तो आप मिर्च, हरी मिर्च थोड़ा सा ज़्यादा आप कट करके डाल दीजिए। अब इसमें ऐड कर दे रहे हैं 1/4 टीस्पून हम इसमें काली मिर्च पाउडर ऐड कर रहे हैं। और ये हमने लिए मूँगफली के दाने को हमने भून के छिलका निकाल के इसको पीस लिए हैं। तो ये हमने 3 चम्मच मूंगफली के दाना 3 चम्मच डाल दिए, 3 बड़ा चम्मच, ये आप देख सकते हैं बड़े चम्मच से हमने डाले हैं। तो ये जो है हमने व्रत के लिए बना रहे हैं। अब इसमें हम ये डाल रहे हैं 3 चम्मच, हम इसमें 3 से 4 चम्मच साबुदाना को हमने पीस लिए हैं। तो साबुदाना पीस के हम इसमें 3 से 4 चम्मच डाल दिए। आधा छोटी चम्मच हम इसमें जीरा डाल रहे हैं। अब इसमें हम नमक ऐड कर रहे हैं। तो नमक जो है आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक डाल दें। तो ये हमने सेंधा नमक, व्रत में जो नमक खाते हैं वो नमक हम इसमें ऐड किए हैं। अब इसको हम क्या करेंगे, इसमें हमें कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, अब इसे हमें अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो ये काफ़ी अच्छा स्नैक्स बन के तैयार होता है, व्रत में खाने के लिए हम ये बना रहे हैं। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कॉमेंट शेयर ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दे, इससे ये होगा हम जो भी लेटेस्ट वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। अगर आपने सब्सक्राइब कर दिए हैं तो उसके लिए धन्यवाद। तो इसे हमने अच्छी तरह से मिला लिए हैं। अब इसको हमें क्या करना है, थोड़ा थोड़ा सा लेंगे और इस तरह से हमें बना के तैयार कर लेना है। तो शेप जो है आप कोई भी दे सकते हैं आप अपने हिसाब से। तो हम इस तरह से बना के देखिए, इस तरह से हमने बना के तैयार कर लेना है, सारे बॉल्स हमें तैयार कर लेना है। तो हमने घी गरम होने के लिए रख दिए हैं, घी गरम हो चुका है। अब ये सारे बॉल्स को हम इसमें डाल देंगे। तो एक बार में जितना है उतना ही डालें, ज़्यादा आप मत डाल दें। तेल गरम होने के बाद गैस को आप मीडियम टू हाई कर दें। इसको हमें चारों ओर से इसी तरह से पलटते हुए अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। ये काफ़ी अच्छा खाने में लगता है स्नैक्स, व्रत में आप इसे बना के खाइए। तो स्नैक्स मेरा फ्राई हो चुका है, आप देख सकते हैं हमें इसी तरह का कलर चाहिए था। अब हम क्या करेंगे, इसे निकाल लेंगे और इसी तरह से हमें बाकी स्नैक्स भी फ्राई कर लेना है। तो सारे स्नैक्स फ्राई हो चुका है, तो अब हम गैस बंद कर देते हैं और इसे निकाल लेते हैं। तो इसे हमने घी में फ्राई किए हैं। अगर आप व्रत में तेल यूज करते हैं तो आप तेल में भी फ्राई कर सकते हैं। तैयार है, हम आपको दिखा दें। ये देखिए ऊपर से ये कितना क्रिस्पी है और अंदर से सॉफ्ट है। तो ये स्नैक्स काफ़ी अच्छा खाने में लगता है और बनाना भी बिल्कुल ही आसान है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।